टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले ही नियमों का पालन करने का दे रहे हैं संदेश, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें ही हाथों में ट्रैफिक नियम पालन करने का बोर्ड लेकर सड़क पर 15 मिनट के लिए खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट गाड़ियों को चला रहे अपने साथ ही औरों का जीवन भी खतरे में डालने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए आज ट्रैफिक विभाग ने एक अनोखा मुहिम चलाया है। आज थाने के तीन हाथ नाका स्थित सिग्नल पर सभी नियम तोड़ने वालों को हाथ में बोर्ड लेकर 15 मिनट के लिए रोड पर खड़ा कर दिया गया। इस बोर्ड पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के संदेश लिखे गए थे। जिनके पास वक्त नहीं है उनसे ई चालान और माध्यम से जुर्माना वसूला जा रहा है। ट्रैफिक विभाग के DCP बाला साहब पाटिल ने इस तरह की मुहिम चलाए जा रहे हैं, इस पर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पूरे आईपीएल के क्षेत्र में हमने जन जागृति शुरू किया है। इसमें सिग्नल जंपिंग, सीट बेल्ट और विदाउट हेलमेट वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी शुरू किया है। उसमें जन जागृति में जो मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करेंगे उन्हीं को उनके हमारे साथ मिला के उन्हीं की तरफ से ये जन जागृति कराएंगे। 15 मिनट उनका ले लेंगे और 15 मिनट में वो दूसरों को बताएंगे कि जो हमने गलती किया वो आप गलती मत करिए, और इस तरह से अगर 15 मिनट वो नहीं देना चाहते तो उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाएगा। ये कार्रवाई सभी आईपीएल के सभी क्षेत्रों में शुरू है और आज दिन भर वो शुरू रहेगी। कल से यही तीन क्षेत्रों में जिसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंट में मृत्यु ज़्यादा होते हैं, ये तीनों सिग्नल जंपिंग, सीट बेल्ट और ये जो हेलमेट है, ये तीनों के बारे में कल से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि भारतीय कर्मचारियों के साथ मतभेद होते हैं, उस संदर्भ में कोई कार्रवाई आज होने वाली है? अगर आम नागरिक 15 मिनट वाहतूक कर्मचारी के साथ बिताता है तो उसको पता चलेगा कि हमारी समस्या क्या है, कितना तकलीफ होती है यहाँ पे। तो ये अवेयरनेस इसी के लिए है कि लोगों को पता चले कि हमारा काम किस तरह से चल रहा है और यहाँ पे तकलीफ क्या है, और उनका एटीट्यूड बदल जाएगा।